Hello, I am Devinder and you are welcome to my YouTube channel Physics Netra. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं that is properties of electric charge. So keep watching and enjoy it. And I am going to become now Mr. India. अब मैं Mr. India बन चुका हूँ. So let us start with the basic properties of electric charge. So basic properties इसकी तीन होती हैं. तो first है वो है आपका additivity of electronic charges. सेकेंड जो है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. थर्ड आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. फोर्थ है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. अब इन चारों की डिटेल्ड जो स्टडी है वो हम अब देखते जाएंगे. फर्स्ट है आपका एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस. अब एक्चुअली क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव. एडिटिव मीन्स जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं आपके ऐड होते हैं. जस्ट लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर एडेड लाइक रियल नंबर्स. अब एक एग्जांपल की तरह देखते हैं कि भाई आपके एक बॉडी है और उसके ऊपर तीन चार्जेस हैं. यू हैव थ्री चार्जेस ऑन अ बॉडी दैट इज़ +2q -q +q. अब अगर हम तीनों को क्या काम करते हैं ऐड करते हैं. अब ऐड ऐसे किया सपोज बाय द वे ये आपका +2q और उसके बाद फिर आपका ये -q और फिर ये आपके पास है +2. सो कुल मिला के जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा. ठीक है क्योंकि -q और +q क्या हो गए ऐड अप होके 0 हो गए. सो बचा कौन सा +2q. तो ये था आपका फर्स्ट दैट इज़ एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब अगर हम सेकेंड के बारे में बात करें दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है यानी इसका जो लॉ है वो क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट बना रहेगा. अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं. एग्जाम्पल क्या स्टेट करता है कि सपोज बाय द वे आपके पास एक ग्लास रॉड है. उसने आपने क्या काम किया रब किया किसे सिल्क क्लॉथ के साथ. सो अब ऑब्वियसली सी बात है देखने की बात यह है कि भाई रब करने से पहले उसके ऊपर कितना चार्ज है. सो बिफोर रबिंग टोटल चार्ज कितना हुआ. ग्लास पे 0 था सिल्क पे भी क्या था 0 था क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस पे रब करने से पहले. तो इसलिए टोटल चार्ज क्या हो गया 0 हो गया. अब प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि भाई चार्जेस क्या काम करते हैं रब करने पे मूव होते हैं. अब यहाँ पर आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज ऑन ग्लास प्लस सिल्क इज इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ. अब ये 0 कैसे हुआ ये देखते हैं. रब करने पे ग्लास पे मान लिया ठीक है +2q चार्ज ठीक है और सिल पे कौन सा चार्ज आएगा -2. सो और चार्जेस क्या है एडिटिव नेचर है तो इनका जो टोटल है वो क्या हो जाएगा आपका 0. तो इस हिसाब से हेंस टोटल चार्ज इज कंजर्व. अब देखते हैं कैसे कंजर्व कि भाई रब करने से पहले 0 था और रब करने के बाद क्या है 0 है दैट इज 0. सो चार्ज क्या हुआ कंजर्व हो गया. चार्ज क्या हो गया कंजर्व. थर्ड देखते हैं. थर्ड एक्चुअली क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वांटाइजेशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर उसके बाद हम समझते हैं एक्चुअली है क्या. सो क्वांटाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज विच टेल्स दैट एनी चार्ज बॉडी can have charge which is an integral multiple of basic charge. यानी अब जो आपके पास जो बॉडी है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा. सो पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए हमने क्या काम किया कंबाइन लिख दिया कि भाई बॉडी के ऊपर या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा. इंटीग्रल मल्टीपल. अब यहाँ पे एक टर्म आया है आपका इंटीग्रल मल्टीपल. इंटीग्रल मल्टीपल का अर्थ ये है कि भाई जो चार्जेस हैं वो कितने हैं या तो 2 हैं 3 हैं 4 है कितने चार्जेस हैं. इसलिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हम 1 2 3 4 वॉट एवर द मे बी. अब जैसे प्रीवियस सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं ठीक है। अगर नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको चार्ज के बारे में मिल जाएगा। सो चार्ज ई की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब प्रोटॉन हो या फिर प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। So let us take an another example regarding to this quantization of electric charge। देखते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इन दिस केस इस Q की वैल्यू कितनी रहेगी, Q मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना रहेगा। सो फॉर्मूला हमारे पास है Q = ± एनी, बट यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या जाएगा माइनस, कितने हैं 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम 2 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम का क्या हो जाएगा चार्ज रहेगा उस बॉडी पर। सो ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो रिपल्शन अकर होता है, और अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को नेगेटिव बॉडी के पास लेके आते हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब डिटेल में यही हम स्टडी करेंगे कि भाई अगर आप सिमिलर चार्ज बॉडी को लेके आओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, और अगर आप डिफरेंट चार्ज बॉडी को लेके आओगे तो फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब वर्डिंग्स पे चलते हैं। सो व्हेन one end of rubber rod is rubbed with fur, when another charged rubber rod is brought near it, the suspended rod turns away showing repulsion। क्योंकि एक तो सिमिलर मैटर हो गया, और सिमिलर मैटर है तो ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा, सिमिलर चार्ज एक्वायर करेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन टेक प्लेस कर रहा है। सिमिलरली आप क्या काम कर रहे हैं, when a glass rod, ठीक है, if a glass rod is rubbed with silk is brought near to a rubber rod, the rubber with fur there is a attraction between the two rods। अब यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स ले रहे हैं, एक आपका क्या हो गया ग्लास हो गया और एक आपका क्या होगा रबर रॉड हो गया। सो दोनों अलग अलग क्या है मटेरियल्स हैं। सो दोनों अलग अलग मटेरियल्स होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे। सो यहाँ पे आप डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि भाई किस हिसाब से, ठीक है, रिपल्शन और अट्रैक्शन, यानी जो दोनों A और B में रिपल्शन हो रहा है और जो थर्ड आप देख रहे हैं सी पार्ट, इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। हाँ जी, वीडियो कैसा लगा, सोच क्या रहे हो, लाइक करिए और रेड कलर का आइकन है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल जरूर बजाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।